रोम के हजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो, रोज बरोज उसकी निजात की बिशारत दो, कौमों में उसके जलाल का, सख्त लोगों में उसके अजायब का बयान करो। हम अपने सर्व को अपने पाक खुदा के हजूर झुकाएं, दुआ मांगे। जिंदा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं जिंदगी के लिए, सारी उस नेमतों बरकतों के लिए जो खुदा तूने हमें दी हैं, जिनके हम मुस्तहिक ना थे, लेकिन खुदा ये तेरा तर्स है, तेरा रहमत है, तेरा फजल है जो हम पर तू करता है, तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज की सारी इबादत को खुदा तेरे पास में देते हैं। हमारा गीत गाना बजाना, सालों का बजाना खुदा तुझे पसंद आए, तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। जो लोग आ चुके हैं खुदा तो उन्हें भूल कर, जो भी रास्ते में खुदा किसी मुश्किल रुकावट परेशानी खुदा उन सब रुकावटों को दूर करने की कुदरत रखता है, ताकि तेरे लोग तेरे को मुबारक कहें, तेरी इबादत करें, तेरे कलाम को सीखें, खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं। ये दुआ तेरे मुकद्दस जलाली और पवित्र नाम में मांगते हैं। हम खुदा की तारीफ करेंगे और मिलकर गाएंगे, खुदावंद तू लश्करां दा खुदा है। हम सब मिलकर उसकी तारीफ करेंगे और गाएंगे, खुदावंद तू लश्करां दा खुदा है। खुदा बंदा तू रहता है।
अपने चरण को खुलाऊंगा, अपने पास आगे तुम झुकाए और फिर एक बार शुक्र करें उसका, इकरार करें कि वो हमारा जिंदा खुदा है जो हमें प्यार करता है। इससे ज्यादा प्यार कोई किसी से क्या करेगा, अपनी जान में खून खरीदे लोगों के लिए। उसका शुक्र गुजार करें उसकी बेटी के लिए, हमारे कदम उसी के लिए जिसने उस लीव का सफर किया, उसके मार खाने से हम आज निजात पा चुके। मैं दरखास्त करूंगा अपने भाई एल्डर किशन बैनर से कि वो सामने छीप पाए और दुआ में रहना है। उसका शुक्र तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी प्रस्तुति शुक्र, क्योंकि तू भला, तू रहीम व करीम है, जो कहने के लिए कीमा शक्कर के दरी खुदा है। तेरा शुक्र अब हम तेरा खास और शुक्र अदा करने सबके लिए इस मौका के लिए बात, क्योंकि हम सब को और मुझे अब अभी अपील पक्षी कि तेरे घर में आ सके, तेरी प्रस्तुति कर सके, तेरी शुक्रगुजारी कर सके, तेरे नाम को मुबारक कह सके बाप, क्योंकि तू भी इस लाइफ में आ, क्योंकि तू जैसा कोई तू खुदाओं का खुदा है, तू बादशाहों का बादशाह। जो हर वक्त जिसका ध्यान बाइबल पर लगा रहता है, जो हर वक्त तुम्हारी बात को लिए पानी करता है, जो हर वक्त तुम्हारी दुआओं को सुनता है, उनको कबूल करता है, जवाब देता है। तेरा शुक्र जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एक एक को अब छू, एक एक को अपने बात रूह से भरते हैं बात, ताकि तेरी प्रस्तुति करे तो दिलो जान अपनी रूह से तेरी प्रस्तुति कर सके, तेरे नाम को मुबारक कह सके। तेरा शुक्र एक एक को बड़ी बरकत अपने बंदा के साथ रखे, कादू के साथ रहने के बाद जब तेरा गुलाम हम तक पहुंचा, वो गुलाम तेरे जिंदगी में सौ होना चाहते हैं। अब मैं खास खुशी दिया था कि तेरे बेटे की बात शरीफ के उसके पास लहू के लिए उसने हमारे खातिर भाग दिया बाप, हम उससे बहुत दूर थे बाप, हम तुझे ना जानते थे बाप, अगर बाप ये तेरा फजल हम पे हुआ, ये तेरा हम पे गर्व हुआ कि तूने अपने बेटे को जहान में भेज दिया जिसने हमारी खातिर अपनी जान दे दी, हमारी खातिर अपना लहू भाग दिया ताकि वो रिश्ता जो तुझसे टूट गया था उस रिश्ते को भाग कर सके और हम फिर से तुझे बाप कह के बुला सके। बाप तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो कि तेरा वादा है कि तू दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है बाप, हमें पपी बख्शा कि जब तक हम जहान में है हर वक्त हर जगह उठते बैठते जाते सोते चलते फिरते हर वक्त हर जगह तेरी मदद सराई करें, तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को मुबारक कहें, हम फिरते जाए बाप और तू हमें बढ़ता जाए बाप। तेरा शुक्र हो अपने कामों से बाप, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे ताकि लोग हमें देख के कहें कि हम तेरे बेटे हैं, हम तेरे लोग हैं, हम तेरे मानने वाले हैं, हम बचा दे। तेरा शुक्र है बाप, तू हमारा बचा देता है, तू हमें बचा बची है। तेरा शुक्र है बाप, हम तो भी बचने के लेके जा सके बाप, उन तक भी तेरे कलाम को पहुंचाए, उन तक भी तेरी सुशबरी को पहुंचाए ताकि बाप वो भी हमेशा की जिंदगी के बाद सुने बाप। तेरा शुक्रगुजारी को बड़ी बरकत दे, वायर के साथ है, हम सब के साथ है, बाकी तमाम की इबादत को मैं तेरे हाथों में सौंपते बाप, एक एक को बड़ी बरकत दे, मानते हुए इस मसीह के बहन नाम में। But Moses said to God, "Who am I that I should go to Pharaoh
and that I should bring the children of Israel out of Egypt. So he said, I will certainly be with you, and this shall be a sign to you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Then Moses said to God, indeed, when I come to the children of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they say to me, what is his name? What shall I say to them? And God said to Moses, I am who I am. And he said, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. Moreover, God said to Moses, thus you shall say to the children of Israel, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, and this is my memorial to all generations. This is the word of the Lord. Amen. Thank you, man. इसी रीडिंग को उर्दू में सुनेंगे और मैं दावा करूंगा अपने भाई से शी को कि वो हमारे लिए था उदाहरण के जिंदा पाक नाम से देखें खुदूस की किताब उसका तीन बाब नौ आय से लेके पंद्रह आय तक इसमें कुछ यूं लिखा है देख बनी इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुंची है और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है सो अब आप मैं तुझे फिराउन के पास भेजता हूं कि तू मेरी कौम बने इसराइल को मिस्र से निकाल लाए मूसा ने खुदा से कहा मैं कौन हूं जो फिराउन के पास जाऊं और बने इसराइल को मिस्र से निकाल लाऊं उसने से कहा मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा और इस काम के मैंने तुझे भेजा है तेरे लिए ये निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे तब मूसा ने खुदा से कहा कि जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है तो मैं आपको क्या बताऊं खुदा ने मूसा से कहा मैं जो हूं सो हूं सो तू बनी इसराइल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है फिर खुदा ने मूसा से यह भी कहा कि तू बनी इसराइल से यूं कहना कि खुदा तुम्हारे बाप दादा के खुदा इब्राहिम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा किताब के बाद आपके पढ़े और सुन जैसे हम उनकी तारीफ करेंगे और मिलकर गीत गाएंगे तेरे यहाँ सिखता ने गाने गीत के कारण शुक्रिया
हमारे पर जो की कुदरत से बिगड़ना पड़ा, हमारी माइयों से पैदा हुआ, दूसरा दूसरी उठाया, मसूर हुआ, मारा गया और धन हुआ, आधा देर वहां में मर गया, तीसरे दिन गुरुओं से छूट गया, आसमान पर चढ़ गया और खुला कर दिन में रात की ठंड में बैठ गया, जहां से वो जिंदा हुआ गुरु हरि करता आगे बढ़ गया, मैं ही मान रहा हूँ गुरु रुद्र पर पाठी की सर पर दुर्दशा की हार गुणों की माफी जिसमें के जीवित हैं और हमेशा जिंदगी मेहरबान जिंदा बाप खुदा, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि तू मुसीबत में मुस्तैद मददगार है। खुदा तू कभी भी हमसे दस्तबरदार नहीं होता, कभी भी हमें नहीं छोड़ता। अगर खुदा हम इस वक्त दरख्वास्त करते हैं इस मुल्क के लिए जिसमें हम रहते हैं और तमाम जगहों के लिए भी, जहाँ पर बैठे हुए लोग इस वक्त इस इबादत का हिस्सा हैं, उनकी भी जो भी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, खुदावंद तू उनसे वाकिफ है। इस वक्त खुदावंद हम इस सारे फ्यूल क्राइसिस को तेरे सामने रखते हैं, तेरे खुदावंद तेरे लिए कोई बात भी नामुमकिन नहीं है। तेरे यीशु जी दुआ करते हैं कि तमाम मसाइल को अपने हाथों में ले। हम अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के लिए, बोरिस जॉनसन के लिए, उनकी कैबिनेट के लिए, उनके तमाम रफ्तार के लिए खुदा दुआ करते हैं उनके साथ हो, इन सारी मुश्किलात को दूर कर ताकि तेरे लोग अमन और सलामती के साथ रह सकें। हम परसिक्यूटेड चर्च के लिए दुआ करते हैं कि तेरे लोग जहाँ कहीं भी सताए जा रहे हैं, जो कि कैद में हैं, मुश्किल में हैं, खुदा उनके लिए तेरी कुवत और तेरी बरकत चाहते हैं, ईमान की मजबूती चाहते हैं। ऐसे खुदा हम अपनी शिक्षा के लिए, बुजुर्गों के लिए, बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। दुआ करते हैं खुदा खासतौर पर अपनी बहन सुमन दीदी के लिए, कि खुदा उनके साथ हो, उन्हें कामल सेहत नसीब अता फरमा। फिर खुदा हम सीनियर सिटीजन के लिए, बुजुर्गों के लिए, मिसेस बरकत के लिए, मिसेस सिंह के लिए, अपनी वजह चांद के लिए, पति के तमाम बहन भाइयों के लिए जो कि खुदा मुश्किल में है, परेशानी में है, खुदा उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। मैं बेटों बेटियों के लिए दुआ करता हूँ कि खुदा उनकी तालीम में उनके साथ हो, हर बुरी रात से, बुरे माहौल से, बुरे लोगों से बचा। उनके टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। जैसे बच्चे को दुकान में पढ़ते हैं, तेरी पहचान, तेरी कुर्बत, तेरे रहमान में बढ़े और तरक्की करें। वो तमाम अजीज जो कि खुदा है, जो कि खुदा किसी तरह की परेशानी में है, जो अस्पतालों में है, खुदा उनके लिए तेरी कुवत चाहते हैं। डॉक्टर, नर्सिस के लिए, तमाम पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, और वो लोग जो आइसोलेशन में है, खुदा उनके लिए दुआ करता हूँ उनके साथ हो, इसलिए सबको बड़ी बरकत दे। और अगर खुदा बाकी वक्त में हमारे साथ होना, तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं। हम उत्तर करते थे दूसरी इबादत सुनेंगे, लोग चैप्टर 9 वर्स 67 टू 62 और ध्यान सीएम हमारे लिए ये दुआ करेंगी। लुका उसका नौ बाप
57 आयत से एक बात आयत Yeah.
तेरा शुक्र खुदावर तेरी प्रस्तुति शुक्र
खुदावंद जो खुदावंद हम कलाम तेरे बंदा के वसीला से सुनने को है खुदावंद, खुदावंद अपने बंदा के साथ हो खुदावंद, वो ना बोले बल्कि खुदावंद तेरा पाक रूह के वसीला से बोले खुदावंद। हम सब जो यहाँ पर मौजूद है और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं खुदावंद, हम सब की जिंदगी में खुदावंद ऐसा काम करे खुदावंद कि हम और ज्यादा खुदावंद हमारे अंदर वो आग आए खुदावंद जो कुछ चाहता है अपने लोगों से, हम ठंडे ना रहे खुदावंद बल्कि नींद गर्म ना रहे खुदावंद बल्कि गर्म होकर खुदावंद तेरे कलाम को लोगों तक पहुंचाने वाले बन सके खुदावंद। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो खुदावंद, हम सबको बहुत बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। इतने लोगों को बचपन की बातें देखने को मिला है, यू रिमेंबर योर चाइल्डहुड, वेरी गुड, ये जान के याद नहीं रखना चाहते, जो नॉटी होते हैं ना याद नहीं रखते हैं, आवाज लग जाए, स्कूल जाना जाना एक पहाड़ नजर आता था सुबह से, और जब हाई स्कूल में चले गए तो ये खुश होते थे कि छुट्टी ना हो जाए। हमारे टीचर थे जो फकीर मोहम्मद थोड़ा ही, और हम सुबह सवेरे जब घर से निकलते थे तो किसी में आए होते थे, कहाँ पे होते थे ना कि हमारे मालिक आज इतना हमें हमें से जो है ना वो सारे फसी से जो फार्मूले हैं वो सुन रहे हैं, तो हम दुआ करते थे कि आज फकीर साहब जो है ना वो बीमार हो जाए ना ही आए तो अच्छा, कई बार तो मरने की भी दुआएं करते थे, वो ऐसे खबर आ जाए कि आज मास्टर फकीर जो उनके बारे में पता चले कि वो नहीं है। तो जैसे वो गेट से इधर होते थे ग्राउंड में असेंबली के लिए इकट्ठे होते थे, कोटा में काम शुरू होते थे लोग यकीन जाने कि जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो हमें वो उस्ताद जो है वो सबसे ज्यादा अजीज जिन्होंने सख्ती की प्यार किया। तो एक्सक्यूजेस जो है वो बड़े होते थे, सुबह सवेरे स्कूल ना जाने के तुम्हारे प्रिंसिपल थे बारे क्लाक बड़े लविंग, तो वो उनके पास रेल रोड होती थी तो वो सुबह सवेरे ना जिन्होंने नहीं आना तो उन्होंने घर पे पहुंच जाना, हाँ भी आप स्कूल क्यों नहीं आए जी मुझे बुखार, उन्होंने अच्छा चलो गाड़ी में उठा के बैठाना और सीधा उन्हें वहां पे से मेरे स्कूल में क्लिनिक होता था वहां पे लेके जाना था, हमें पता था आगे क्या होगा, शायद आपको एक्सपीरियंस ना हो पनीर की गोली मार नहीं पड़ती थी, पनीर की गोली होती थी जो मलेरिया के लिए देते हैं डॉक्टर के लिए तो कड़ी पड़ी होती है, तो उन्हें कहना चाहिए मुंह खोलो, तो वो जब गोली सुबह सुबह खाने से सारा दिन जो है ना बुरा होता है ना, तो फिर हम गोली से डरते हुए ये बहाना भी नहीं करते थे कि भी नहीं स्कूल नहीं जाना। Nowadays, maybe you had different excuses, और छुट्टी के बड़े बहाने होते हैं, जब मैं आर्मी चैप्टन था तो जनरल अकाउंट में भी था, वहां पर आमतौर पर जो फौजी भाई जो एक्सक्यूज देते थे मेरी दादी मार गई है, और दादी को पता कितने दिन हम मारा होता था, तो मारने के लिए होता था किसी ने कहने मेरी नानी मार गई, किसी ने कहने मेरी दादी मार गई है, यू नो स्पिरिचुअल लाइफ दैट डोंट मीन इन द सेक्युलर वर्ल्ड बट यू नो स्पिरिचुअल लाइफ वी आर हैविंग आवर पॉकेट फुल विद एक्सक्यूजेस, बहुत सारे एक्सक्यूजेस हमारे पास होते हैं। आई यू सी व्हाट आई एम सेइंग, इफ यू डोंट वांट टू गो टू स्कूल यू आर हैविंग सो मेनी एक्सक्यूजेस, काम पे ना जाने के बहाने। पाकिस्तान में तो जब वो मौसम अच्छा होता है ना बारिश होती है बड़े दिल के जब ये नहीं है काम पे यहाँ पे बारिश ये क्या रहा होता है रूहानी तौर पर हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस होती हैं। अभी जो बिल हमने कलाम के पाक कलाम से पढ़ा इन द बुक ऑफ एक्सोडस, मूसा को खुदा ने कहा कि दिस इज लैंड फॉर यू, मैंने अपनी कौम का कराना सुना है और मैं चाहता हूं कि तू जा और बनी इसराइल को उस गुलामी से मिस्र से तू रहेगा। There is no doubt that he was very passionate, he was very concerned about the people, those who were under the slavery in Egypt. Usse apni koshish se, mehnat se, apni taqat se,
उसने ये चाहा कि अपनी कौम को रिहाई दे दे। और एक दफा जब मिस्री और एक जो यहूदी थे इसराइली थे वो आपस में झगड़ रहे थे तो उसने मिस्री को कत्ल करके उसकी लाश उसने छुपा दी, क्योंकि उसके दिल में अपने लोगों के लिए मोहब्बत थी, प्यार था। बट दैट वाज़न्ट द राइट टाइम, राम का वो ठहराया वक्त नहीं था। और उसका नतीजा क्या निकला कि उसको फिर 40 साल बियाबान में अपना जो पदविला था उसका ससुर जो था उसकी भेड़ बकरी को उसने को निर्दाश करनी पड़ी। जब हम खुदावन्द की नाफरमानी करते हैं, जिस रास्ते पर खुदावन्द हमें लेके चलना चाहते उस पर हम नहीं जाते, तो कोई ना कोई प्रबल जो है वो हमारी जिंदगी में आ जाती है। आप देखें जो बनी इसराइल थे, दे स्पेंड 40 इयर्स इन दैट विल्डरनेस ड्यू टू देयर रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। खुदावन्द ने चाहा था कि वो जाकर तो वियाबान में उसकी इबादत करे, और वो रास्ता जो 40 दिन का था वो 40 साल में बदल गया। योना को हम देखते हैं कि खुदा ने उसे कहा कि तू डैमो को जा, वो अगर मेरा हो दूसरी तरफ चला गया, यानी कि मैंने जाना। एक्सक्यूज क्या था कि खुदा डैमो को क्यों जाना चाहता है, डैमो क्यों पड़ी, तो वो दूसरी तरफ चला गया। अब उसके लिए खुदा ने ट्रबल रखी हुई थी, उसे मछली के पेट में जाना पड़ा। और वहां पर उसने जो है ना वो 3 दिन की सर्जरी की, उसने 3 दिन उसको मछली के पेट में रहना पड़ा। और वहां पर उसे खुदा से दुआ भी की। जब हम मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो हम खुदा से दुआ भी करते हैं। और जब खुदा ने मूसा को बुलाया, उसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस जो है वो खुदा के सामने रखे। अच्छा, एक एक्सक्यूज जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, उस आप इसको कह सकते हैं, अपॉलॉजी कह सकते हैं, रिमेज मैं ये नहीं कर सकता। ये बात याद रखिए, खुदा आपको कभी भी वो काम करने के लिए नहीं देता जिसके अंदर करने के आपके अंदर जो है ना वो हिम्मत ताकत ना हो और आपके अंदर एबिलिटी ना हो। खुदा को पता होता है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। खुदा को आपकी कैपेसिटी का पता है, आपकी एबिलिटी का पता है, He knows everything. उसको पता था कि जो मूसा ने 40 साल दिया बाद में गुजार दिए हैं, and he knew all the ways. इसको पता है नक्शा दार पता है, इसको पता है कौन से पहाड़ से जाना है, कौन सी घाटी से जाना है। खुदा ने उसको एक सूबे के मुताबिक उसको वहां रखा, और खुदा को मालूम था कि ये सब कुछ कर सकता है। मैं जब इस बात को रिलेट करता हूं अपनी मिनिस्ट्री के साथ, तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ व्हेन आई स्पेंड नियरली 15 इयर्स इन पाकिस्तान आर्मी। अच्छा, मैं गुजरांवाला में आया आर्मी चैप्टन के तौर पर, क्योंकि मैंने जो टाइम स्पेंड किया था वो जनरल हेडक्वार्टर में किया था, विच इज द लार्जेस्ट इंस्टॉलेशन आर्मी की। तो जब मैं वहां पर आया, फिर मुझे पता चला कि व्हाट वाज गॉड्स प्लान, क्योंकि मुझे सारे प्रोटोकॉल का पता था, कैसे किसे मिलना है, कैसे मैंने जनरल के पास जाना है, उसका क्या तरीका था, किसको लिखना है, किसको नहीं लिखना, किस तरह की डिपार्टमेंट है। God gave me that knowledge in my ministry, और फिर उसका ये नतीजा निकल गया, I was able to build that church in Gujranwala। तो खुदा को पता होता है, वो पहले से आपको तैयार करता है, प्रिपेयर करता है, वो आपके ऐसा दौर होता है जिसमें खुदा आपको गुजार होता है, ताकि जब वो काम को खुदा आपसे लेना चाहता है, आपके पास कोई ऐसी जिन्हें मैं नहीं कर सकता। और उसने ये नहीं कहा कि अभी मैं भी अब आपके बारे में नहीं जानता, यहाँ पर स्कॉर्पियन है, यहाँ पर झाड़ियां हैं, यहाँ पर पहाड़ हैं, पत्थर हैं। No, I don't want to do that. उसके एक्सक्यूज जो थे वो डिफरेंट थे। पहली बात तो करता है कि अपनी जो सेल्फ वर्थ है, कहता है कि मैं इस काबिल नहीं, मैं तो फिजी नहीं, आई एम नॉट फ्लुएंट, मैं तो क्वालिफाइड नहीं, मैं तो क्वालिफाइड नहीं करता इस काम के लिए, मैं तो नहीं कर सकता, मुझे माफ कीजिए। खुदा ने कहा कि ये मुंह, ये कान, ये नाक, ये जुबान किसने बनाई? आई एम द क्रिएटर, व्हाई यू गिव मी दिस एक्सक्यूज कि मुझे मैं नहीं बोल सकता। उसने कहा देख तेरा भैया है वो तेरी मदद करेगा, तेरा एक्सक्यूज खत्म, ले चटनी डाल के। तो बहुत दफा हमें हम ये सोचते हैं, हमें यकीन नहीं होता कि हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन खुदावन्द को पता होता है
खुदा ने उसको कहा कि मैं तेरे साथ उनका फिक्र रखता है. God give him that assurance कि I'll be with you in your incapacity. दूसरा जो एक्सक्यूज था वो बड़ा अजीब था कि मैं नहीं जानता कि आप कौन है. मैं भी तो काफी बात हूं, मुझे अपने नाम को बताएं, आइडेंटिफाई करें, अपने आप को जरा बताइए कि आप कौन है जो मुझे भेज रहे हैं. ये भी उसका जेन्युइन एक्सक्यूज था क्योंकि उसने जो 40 साल थे वो महल में गुजारे थे. यू कैन एग्री विद मी कि एक शख्स जो है उसने बेगर एनवायरमेंट में मिस्र में उसने 40 साल गुजारे. देयर वाज नो कॉन्सेप्ट वहां पर, तो महल के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि कोई खुदा के बारे में जान सके. फिर वो तो पैराउंड का बेटा था, नो डाउट इज द लाइट फॉर देयर एट दैट टाइम. और लेकिन उसको जो पर्सनल रिलेशनशिप था खुदा के साथ, he was fully aware about the other people who were living around here, talking about Israelites. लेकिन उसका खुदा के साथ पर्सनल रिलेशनशिप नहीं था. कहता कि मैं क्या बताऊंगा फिरौन को, वो तो बड़ा सत्ता आदमी है, तो बता था. उसने कहा कि मैं जो हूं सो एक इनकम्प्लीट रेवलेशन था, मैं हूं जो हूं सो तू जाओ उसको ये कहना. कंप्लीट रेवलेशन जो है वो हम न्यू टेस्टामेंट में देख रहे हैं. कहा कि मैं राह और हक की जिंदगी हूं, मैं सच वहां हूं, मैं जिंदगी की रोटी हूं. तो वो जो एक अधूरा मुकाशवा था वो नए एहनामा में पूरा हुआ. तो ही वॉज आस्किंग फॉर द नेम कि आप बताइए कि मैं उनको क्या कहूंगा जाकर. तो खुदा ने उसका ये एक्सक्यूज भी खत्म. थर्ड जो उसका एक्सक्यूज था क्योंकि वो भी बड़ा जेन्युइन था कि वो तो मुझे रिजेक्ट कर देगा, वो तो मेरी बात नहीं मानेगा. सो दिस वाज अ फियर ऑफ रिजेक्शन यानी वो मेरी बात नहीं मानेगा. एंड वी आर हैविंग सच फियर्स सो मेनी टाइम्स यानी मैं कैसे जाऊं, कौन मेरी बात सुनेगा, लोग भी क्या आके सुनते नहीं है, बड़ी मुश्किल है. हम इस ये बात को सोचते रहते हैं, हम खुदा की आवाज को नहीं सुनते. खुदा जो है वो हमारे इस खौफ को दूर करता है, वो हमें हिकमत और दानिश बख्शता है, वो हमें अश्योरेंस देता है कि नहीं आप जाओ मैं आपके साथ हूं, आप इस बात के लिए फिक्रमंद ना हो. चौथा विषय ऐसे था कि अगर मौत हो रही मेरे पास कोई बैजेस भी लगे हुए, मैं कोई जनरल थोड़ा हूं, कोई मैं कोई प्राइम मिनिस्टर हूं, प्रेसिडेंट हूं, मैं क्या जाकर उसको कहूंगा भाई उनको मैं कौन हूं. ठीक है ये तो बताऊंगा कि मुझे खुदा ने भेजा है, वो तो बिलीव ही नहीं करता आपने, तो मेरी भी तो पोजीशन होनी चाहिए, मैं वहां पर जाकर क्या बोलूंगा. विच कैपेसिटी एंड अथॉरिटी आई विल टेक योर मैसेज. खुदा का लाठी नहीं करता और सांबा की उसे काफी सो पकड़ा. नो यू got authority over all these things. याद है कि जब खुदाई की किताब में हम देखते हैं खुदा ने तमाम कायनात को बनाया, जानवरों को बनाया और सब परिंदों को बनाया. खुदा ने आदम से क्या बात की, आदम का इनके नाम पर आप गिविंग यू दिस अथॉरिटी, इवन आई एम द क्रिएटर बट आई एम गिविंग यू अथॉरिटी, गिव देम नेम, तो इनको नाम. तो किसी के हाथ देवी पैदा होता है तो जो बड़ा ही दिल के करीब हो, शख्स चाहे ग्रैंड पा हो, ग्रैंड माम हो, कोई अंकल हो, उसको आप कहते हैं आप उसका नाम रखें. आपके दिल में उस शख्स के लिए इज्जत होती है, प्यार होता है, आप उसको ये इख्तियार दे देते हैं बीवी पेरेंट्स के जी आप उसको नाम दें. खुदा ने आदम को ये कहा कि तू इसके नाम रख. और यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि खुदा ने उसको ये इख्तियार दिया कि ये सांप ये सारी चीजें जो कि शायद उनके लिए बड़ी ही खौफनाक चीज होगी क्योंकि वो तो बियाबान में रहता था. खुदा ने कहा कि नाउ आई एम गिविंग यू दिस अथॉरिटी, तो सांपों और बिच्छुओं को कुचल सकते हो, तो जब तुम फिरौन के सामने जाओगे तो वो इनसे ज्यादा खतरनाक नहीं है, इनसे ज्यादा जहरीला नहीं है, इस सांप से वो ज्यादा जहरीला नहीं है. अगर तुम इस पर कंट्रोल कर सकते हो तो तुम फिरौन का भी सामना कर सकोगे. दैट वॉज वंडरफुल इलस्ट्रेशन. You will be very effective when you go there. आप इस बात के लिए परेशान ना हो. तो यीशु मसीह जब
शागिर्दों को चुन रहे थे, उनको बुला रहे थे, लार्ज क्राउड रोज ऊपर और बहुत सारे लोग बड़े एक्साइटेड होकर भी कहते हैं कि आप भी आपके पीछे पीछे चलना चाहते हैं, हमें भी इज्जत चाहिए, हमें भी इख्तियार चाहिए, बिकॉज योर कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइस्ट वॉज के ही इज अ मसीहा एंड ही विल सेट अप हिज किंगडम, वो अपनी बादशाह को कायम करेगा एंड ही विल रूल विद। अगर आप इसके सियाक और सबाक को देखें तो उनमें ये बहस भी होती थी कि भी बड़ा कौन है, और ये भी स्पॉइल्स की थी शागिर्दों की तरफ से कि हमें एक बाएं और एक दाएं तरफ जो है उठाया याकूब और योना की मां ने ये कहा कि जब अपने बादशाह में आए तो मेरे बच्चों को दाएं और बाएं बैठाना। सो दे वर लुकिंग सच अथॉरिटी एंड पावर। अगर हम यीशु के पीछे जाएंगे तो हमें भी कोई ना कोई पोजिशन तो मिल ही जाएगी, लेकिन गुलाम यीशु मसीह उनके सामने एक कंडीशन रखते हैं, डिमांड वाज देयर डिसिपलशिप की कि आओ मैं तुम्हें आलमगीर बनाऊंगा, मेरे पीछे आओ। ही वाज इनवाइटिंग देम बट दे फेल्ड टू अंडरस्टैंड द ट्रू कॉस्ट ऑफ दैट डिसिपलशिप। शागिर्दियत की जो कीमत थी, जो नेचर थी उसकी, उसको वो नहीं समझते थे। शागिर्द बनना, खुदा के पीछे चलना, उसके लिए जो डिसिपलशिप की जो प्राइस है, रियलिटी उनकी सफरिंग है, पेन है, उसको वो नहीं समझ, बिकॉज इट वॉज एन एक्ट ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। और हमने अक्सर में जो ये लैक ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है ये पहचान बजाय हो सकता है मेरे पास बड़ी अच्छी क्वालिफिकेशन हो, लेकिन जो मैच्योरिटी है रूहानी तौर पर हम मैच्योर नहीं है। और खुदा के जो शागिर्द थे जो उसके पीछे आना चाहते थे उनकी भी यही प्रॉब्लम थी, वो उस कीमत को, उस कमिटमेंट को जो कर रहे थे उसको नहीं समझ। अब यहां पर शागिर्दों के नाम तो नहीं दिए गए जो कि खुदा के पीछे आना चाहते थे, भी जो वृद्धा ने तलाब किया खुदा के जिंदा पाक कलाम से मुकदस लूका का जीवी बयान। यहां पर नामे बाब में हम देखते हैं कि लिखा है कि जब वो राह में चलते जाते तो किसी ने से कहा जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसका नाम भी यहां पर दिया गया अननेम्ड डिसाइपल, उसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन वो कहता है कि मैं तेरे पीछे जाना चाहता हूं। और खुदावंद ने यीशु से कहा रोमियो के भाट होते हैं हवा के प्रेरकों के खौफ से मगर इब्न आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। तो खुदा भी इससे समझा रहे थे कि देयर इज नो कंफर्ट, अगर तू मुझे फॉलो करना चाहता है, अगर मेरे पीछे आना चाहता है तो फिर ये मत सोच कि मसीह जो है वो फूलों की स्टेज है। अगर आपने मेरे पीछे आना है तो फिर आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो इब्न आदम है, जो दुनिया का खालिक और मालिक है, उसके पास सच जाने की जगह नहीं, वो जर्नी में पैदा हुआ। और अगर आप ये ख्वाहिश रखते हैं, अगर आप मेरे पीछे आना चाहते हैं तो आपको ये कीमत जो है वो अदा करनी पड़ेगी। अब आगे चलकर हम इस बात को देखते हैं कि जो एक और शख्स है उसको करते इसने उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे चल, उसने कहा एक गुलाम मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन। अब जो थोड़ा सा ना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है उसको देखना चाहिए। अब ये शब्द जो था बेसिकली जो ग्रीक जो ट्रांसलेशन है उसमें क्या कि वो बाप भी मरा नहीं था बट ग्रीक वर्ड, और ये सोचा था कि जो उसकी इनहेरिटेंस है, जो प्रॉपर्टी है, ये बाप मर गया किसी और को दे गया तो फिर क्या होगा, लेट मी गो एंड सी माय डेथ फर्स्ट, इससे पहले उसको दफन कर दिया जाए और मैं जरा उससे अपना हिस्सा तो ले लू। ग्रीक पहले जाकर मैं साफ तौर पर कर लू फिर आऊंगा। और ये चैलेंज है, हम अपनी जिंदगी में सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, कुर्बानी नहीं देना चाहते, हम खुदा के पीछे चलने की ख्वाहिश चलते हैं, अभी भी ये ख्वाहिश थी, पता नहीं कहां कहां से लोग उसके पीछे आ रहे थे, लेकिन कहते कि नहीं, कोई कहता कि मुझे जाकर तो अपने बाप को जो है दफन कर देने दे, और फिर एक और ने कहा मैं तेरे पीछे चलूंगा लेकिन पहले मुझे इजाजत दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हुआ, पहले घर से निकला हुआ है, अब डबल माइंडेड है कि अच्छा जाकर बात तो कर लू मैं जरा ताबे फरमा दी। तो हम जो है वो इंस्टेंट रिप्लाई चाहता है, हम लीगल ऑफ कर अच्छा सोचेंगे देखेंगे, देखते पाशा किसी दिन आएंगे जब टाइम मिलेगा, देखिए मेरी चले कि खुदा का जरा लाजी हो जाए
तो फिर मैं आऊंगा जो मिनिस्ट्री में काम करेंगे जी, जरा थोड़े से भी एक शख्स कहने लगा कि मेरे पास जो है ना जब मिलियंस होंगे तो फिर मैं खुदा की खिदमत करूंगा, कल ही मेरा काम बन गया पैसा, मैं कह रही मेरा बेटा जो वो बड़ा जबरदस्त फुटबॉलर बन गया, तो अब लॉन्ग टर्म प्लान देखो कहता है जब वो अब फुटबॉल खेलेगा तो मिलियन कमाएगा तो फिर मैं जो है मिनिस्ट्री का काम करूंगा। और हुआ क्या तो उसके बेटे की काम जो है मुझे जोड़ लगी और वो फुटबॉल नहीं खेल सकता। उस वक्त जो है हमारे पास बड़े बड़े एक्सक्यूजेस, बारिश हो अब एक्सक्यूज, धूप निकले तब एक्सक्यूज, चार पैसे आ जाए तब एक्सक्यूज, कोई ना कोई बहाना जो है फुल विद एक्सक्यूजेस, बड़े बहाने हमारे पास, दाम पास ना है। आज मैं सोच रहा था मैं भी काम हो गया, लोगों ने कहना पैसा पेट्रोल ही को नहीं आते, बहाने बना देना चलो आएंगे फोन चला पैसा बड़ी चाहिए थी, पैसा टैंकी चेक की थी पेट्रोल ही को नहीं। कल मैं दूसरे में था तो उस वक्त मेरे फोन आने शुरू हुए, बस पेट्रोल बहुत थोड़ा है, चलो घर तक तो चले जाओगे ना पेट्रोल पंप से। तो प्रॉब्लम्स कभी भी आपके पास सोचेंगे खुदा के पीछे चलने के लिए हालात कभी भी साजगार नहीं हुए। जब से कलीसिया कायम हुई है आप देखते कभी भी आपको किसी शख्स के लिए भी हालात साजगार नहीं मिलेंगे कभी भी, और ना कभी बल्कि और वर्ष होते जाएंगे। हमें बहुत से चीजें जो है ना वो खुदा के पास आने से होती है। सबसे बड़ी बात है वो गिल्टी कॉन्शियस, हम इस सोच पड़े रहते हैं कि मैं इस काबिल नहीं, मैं घर पे ठीक हूं, ये बहुत बड़ा मसला है। कॉस्ट ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी, हमें इसकी कीमत अदा करनी है। अगर हम इसी बात में से मूसा सोचता था कि मैं जाऊंगा पता नहीं वो मारे ना दे बोले पता नहीं ना कर दे, मैंने नहीं जाना भाई किसी और को भेज, मैं तो बोल नहीं सकता, मेरे मेरे पास क्या अबिलिटी है, मैंने कौन से मतलब स्टार लगाए हुए, तो मैं कोई जनरल नहीं हूं कुछ नहीं, क्या सिक्योरिटी है क्या गारंटी है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो खुदा को मेरे साथ। खुदा ये चाहता है कि एक फॉर्म इंस्टेंटली उसको जवाब दे, जैसे खुदा ने पतरस को और दूसरे शागिर्दों को जो के मछलियां पकड़ रहे थे उसे आओ मैं तुम्हें आलमगीर बनाऊंगा, क्राम कहता है कि देयर एंड देन दे लेफ्ट देयर नेट्स दे लेफ्ट देयर बोट एंड दे स्टार्ट फॉलोइंग हिम। मती को उसने कहा कहां बैठा होता है, मती कहां बैठा होता है साइड पार्क में मसूल लेना चौकी पे काम कर रहा था बेचारा, मसूल ले रहा था दैट वाज सोर्स ऑफ इनकम। खुदा ने कहा भाई चल मेरे पीछे आ, बिकॉज इज अ गुड माइंड छोड़ा उसके पीछे आ रहा है। अगर आप डबल माइंडेड हैं सोचते रहेंगे अच्छा ये करें ना करें जाए तो भरी भी लेकिन बार बार कोई बदल तो नहीं पड़े है। कोई आ गया चाहे मैं नहीं आ सकता, तो एक्सक्यूज अगर आप देते रहेंगे ना इफ यू लिव इन ब्रीच फिर आप खुदा के पीछे नहीं चल सकते। मुर्दों को अपने मुर्दे कहते दिल सब चीजों ज्यादा इलाहाबाद बात है। खुदा ये चाहता कि हम मुकम्मल तौर पर खुदा हमको मौका दें कि वो हमें ये तौफीक बख्शे कि हम खुदा की खिदमत कर सकें। खुदा मिला करता है द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 4 मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, और खुदा आज भी ये मिला करता है मुझे तुझसे शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। जब प्रॉब्लम होती है तो फिर हम कहते हैं पैसा बस आज ही कर देते हैं इसके बाद जो ना पैसा पर कभी नहीं चढ़ना तो ये काम होना चाहिए बस दुआ करेंगे ही। और आज आप अपने लिए माहौल पर नजर रखना सिर्फ इस चर्च की बात नहीं है, यू कैन सी द चर्च इज एज बस गोइंग ऑन, फुटबॉल है हमारे पास, कार रूट सेल है, ऐसे कर रहे हैं दूसरों का गंदा अपने घर ले जाओ, पैसे खर्च कर रहे हैं दीगर चीजों में, बच्चों को लेके जा रहे हैं आज हम जा रहे हैं इंटरटेनमेंट है जी बच्चों को कुछ कर रहे हैं, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो अगर आप एक्सक्यूज देते रहेंगे तो फिर आप कभी भी खुदा के साथ नहीं चल पाएंगे। खुदा मुकम्मल सुपुर्दगी चाहता है, खुदा मुकम्मल तौर पर ये चाहता है हम उसका हाथ थाम लें, खुदा
हाथ पकड़ ले खुदा हम नाम पकड़ देगा। आइए दुआ मांगें, खुदा हमसे दरख्वास्त करें कि खुदा हमें हिम्मत आप कर दे ताकि हम एक मन की सोच के साथ बल्कि मस्बत सोच के साथ खुदा के पीछे आए। एक अमीर शख्स जिसके अंदर भी ये ख्वाहिश थी कि खुदा में तेरे पीछे चलना चाहते, खुदा ने तो अपना सारा माल स्वाद गरीबों बांट दे, तुझे आसमान पर फैलाना, खुदा ने वादा भी किया तुझे आसमान पर फैलाना, ठीक है उसका छुपा कर चला गया क्योंकि बहुत ज्यादा गौरव उसका दिल जो है वो उसकी पोजेशन जो थी उसके लिए वो प्रेफरेंस था, हमारे लिए प्रेफरेंस क्या है। आइए खुदा से दरख्वास्त करें खुदा ने तौफीक दे क्या हम हर वक्त हर जगह खुदा को अवदर करें। दरख्वास्त ऋषि सब से उस सामने बंदगी को अपने हुजूर में गफूर की तरह कबूल करना चाहूँ। तो
खुदावंद आज के इस कलाम के वजह से हम सबको बड़ी बरकत देना। इससे सब कुछ मांगते हैं जरे पाक पवित्र जिंदा और जलाली नाम हम नेक्स्ट संडे हार्वेस्ट सर्विस है 3 अक्टूबर को पाठशाली होगी और हार्वेस्ट सर्विस है 2 बजे सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में बस होगी और 2 बजे उर्दू हिंदी में। ड्यू टू कोरोना प्रॉब्लम आप जो वेजिटेबल है या फ्रूट्स हैं ये सभी चीजें हैं आपको फोन चाहिए जो फूड के चीज़ मेरा ना रहें क्योंकि बहुत सारे जो नर्सिंग होम हैं जो ऐसे ओल्ड हाउसेज हैं वो नहीं उनको एक्सेप्ट कर रहे तो आप जो है अपने गिफ्ट हैं वो हरिया चार ग्राम को आप ला सकते हैं तो आप एक अपने सेपरेट जो हार्वेस्ट के जो गिफ्ट हैं वो आप लेकर आइएगा। तो नेक्स्ट जो संडे है 3 अक्टूबर को उसमें हम इस सर्विस को कंडक्ट करेंगे और फिर भी हार्वेस्ट जो डिनर है वो भी होगा और वन डिश हम सब जो है बना के लाएंगे और शेयर करेंगे ताकि हम इस दिन को सेलिब्रेट कर सकें। तो 2 बजे ये नेक्स्ट संडे 3 अक्टूबर को ये बात होगी तो आप सब खास करके आप जरूर आएँ और इसके बाद इस सब में अपने गिफ्ट को आप लेकर आइएगा। सो दिव्य जो ऑफरिंग नेक्स्ट संडे वन फॉर द रेगुलर जो ऑफरिंग होगी फिर दूसरी जो है वो हार्वेस्ट की ऑफरिंग जो है होगी। तो आइए हम राम के नाम को जलाल दें और हम गीत करेंगे जबूर 111 गौ सना तुसी रब दी तुसी गौ सना। क्वायर क्योंकि मेरे पास से जो सुबह के प्रोग्राम के लिए मेरे पास की जरूर नहीं थे तो मैं उनको तैयार कर रहा हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ क्वायर का म्यूजिशियन का। मंडे टू फ्राइडे सुबह हमारा प्रोग्राम होता है रेडियो शो का उसमें जरूरत है Oh,
सुबह कोशिश किया करें कि जो बाइबल स्टडी है जरूर आप अगर सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक की बाइबल स्टडी होती है बहुत जरूरी है कि आप खुदा का पाक कलाम सीखें और आप देखें कि एक बहुत बड़ी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मीडिया जो है अगर सुबह आपके पास टाइम नहीं होता तो उसके बाद भी रिकॉर्डिंग को भी आप देख सकते हैं और आप खुदा का पाक कलाम को सीख सकते हैं। आइए हम खुदा की शुक्रगुजारी करें करिए खुदा तो कितना महान है, तो कितना मेहरबान है। हम तेरी मेहरबानी के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरे तरस के लिए, तेरी परवरदिगारी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सच में जय खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपनी मुट्ठी खोलता है और तमाम कायनात को सेर आसूदा करता है। तमाम दुनिया के खजाने तेरे हैं, सोना तेरा है, चांदी तेरी है, तमाम माल दौलत तेरा ही है। खुदा तेरे लोगों ने तेरे दिए में से ये हदिया गुजराना है। इनकी ख्वाहिशात हैं, इनकी तमन्नाएं हैं, इनकी शुक्रगुजारियां हैं, खुदा तेरे कबूल करना और ये हदिया तेरी बादशाह की उसत और जलाल के लिए इस्तेमाल हो। इनके खत्ते हमेशा भरे रहें, इनके हाथों की मेहनत पर तेरी बरकत हो, इनके घर में कभी भी किसी चीज की भी कमी ना आ पाए। तेरा आसमान हमेशा हमेशा इन पर खुला रहे। आई कदूस जिंदा पाक खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं औलाद जैसी नियमत के लिए। खुदा तेरा के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं गुजरे एक एक पल के लिए जिसमें खुदा तुझे संभाला और आइंदा के लिए खुदा तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी कुवत चाहते हैं, तेरे पेरेंट्स के लिए, भाइयों के लिए खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। हम दीगर तमाम बच्चों को तेरे तख्त के सामने लाते हैं, सबको बड़ी बरकत दे, हर एक को संभाल और बाकी रुक में तुम्हारे साथ हो। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा अपना चेहरा आपका जलवा कर फरमाए, खुदा आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा और अब हमारे मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाप की रफाकत और शक्ल अब से लेकर हमेशा आज जमात के साथ और दुनिया भर के मुतसिम के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन।